चुनाव के संघर्ष में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप के बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे बीच में हैं। लगातार वर्ष 2018 से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूती समय समय पर देते रहे हैं, जिसका परिणाम गोरखपुर में आपके सामने प्रवीण निषाद सांसद के रूप में आया है। वहीं खुशी की बात है कि वर्ष 2019 के इस चुनाव के संघर्ष की बेला पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान हमारे बीच में मौजूद हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पिछले वर्ष 2018 से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्य अतिथि के रूप में अपने कार्यक्रमों में बुलाते रहे हैं। डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, अपनी बात आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल कुशवाहा जी ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इजाज़त से चाहूँगा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी अपनी बात हमारे सबके सामने रखें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, समाजवादी पार्टी और सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों, देश की जनता को और साथ ही इस देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए देश की संविधान, किसान, नौजवान और मुसलमान, गरीबों, शोषितों के हितों की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश जी और बहन माननीय कुमारी बहन मायावती जी को, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश में जो 2018 में 85% जनता के वोटों को, बिखराव को इकट्ठा करके जो गोरखपुर की जीत सुनिश्चित की और एक इतिहास रचा, मैं उसके लिए बधाई रखता देता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज पुनः 2019 के आम चुनाव में फिर इस संविधान खतरे में है, देश के नौजवान और किसानों का हित खतरे में है और एक जुमलेबाज पार्टी के हाथ में जो सत्ता आ गई और देश के लोग गुमराह होकर जो सत्ता दे दिए, जो संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा है 70 सालों से, जिन्हें नहीं मिला था उन्हें दिलाने के लिए आज हम लोग पुनः जैसे गोरखपुर में एक इतिहास रचा था, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रचा था, उसी तरीके से 2019 के इस आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा, इसके लिए आज गठबंधन हो रहा है। मैं देश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दबे कुचले शोषितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था दी थी, देश में गिनती कराने की व्यवस्था दी थी। तो मैं चाहता हूं कि देश की गिनती के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10% का आरक्षण दिया है तो देश की जनता की गिनती के आधार पर गिनती को भी जितनी जातियां हैं उनके ऊपर उनको ओपन कराए और गिनती के आधार पर उसमें जितने लोग हैं उनका शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, देश की जो राजनीति में है
उसमें गिनती के आधार पर सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है और हमारी पार्टी का इस पर समर्थन है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले से इलाहाबाद में मैं संकल्प लिया था कि अगर माननीय कांशीराम ने संकल्प लिया, एक इतिहास रचा, तो उनके जो सपने हैं, जो बचे सपने हैं, जो वोटों का बिखराव हो रहा था 2014 से 2017 में, वो वोट इकट्ठा करके जो हम लोगों ने इतिहास गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रखा, वो पुनः इतिहास अभी 2019 के इस चुनाव में देखने को मिलेगा और सारा वोट इकट्ठा होकर इस गठबंधन के साथ रहेगा। हम लोग उसको एक साथ मिलकर इस चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। मोदी ने जाकर कहा था इलाहाबाद में, हम गंगा पुत्रों का दर्द दूर करेंगे। योगी जी ने कहा था कि हम इस मछुआरों का जो अनुसूचित जात का आरक्षण है जो संविधान में मिला, हम देंगे। मैं माननीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूँ, इंजीनियर प्रवीण निषाद को उन्होंने इस देश की सदन में भेजा, वहाँ आवाज़ उठाया, इतने ही नाम लिया कि माननीय अखिलेश जी ने 21/12/2016 को एक शासनादेश भेजा है जिसमें सभी लोगों को अनुसूचित जात का हक मछुआरों को देने के लिए। मैं उस सदन में इनका नाम लेते ही भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्षा थी उनका नाम नहीं लेना चाहिए और आवाज़ रोकने का प्रयास किया। माननीय अखिलेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने उस जिसे सदियों से कोई नहीं पूछता था उसके लिए इन्होंने शासनादेश जारी किया 21/12/2016 को, 17/12/2016 को इन्होंने उसको परिभाषित करके भेज दिया, 31/12/2016 को पिछड़ी जात से निकाल के इन्होंने कह दिया कि इन्हें अनुसूचित जात का हक पूरा मिलना चाहिए, ये संविधान सम्मत है। उस पर स्टे हो गया था चुनाव होने के नाते, वो स्टे खारिज हो गया और स्टे खारिज होने के बाद वो शासनादेश तहसीलों में पड़ा हुआ है। लगातार मांग करने के बाद जिन्होंने मांग किया, चाहे जैसे शिक्षा मित्रों ने मांग किया, चाहे नौजवानों ने मांग किया नौकरी का, प्रेरकों ने मांग किया, रसोइया ने मांग किया, जिसने भी मांग किया उसके ऊपर लाठियों से उन्होंने जिस तरीके से जवाब देने का समय आ गया है कि 7 मार्च को मैंने अभी कि ही आवेदन करना था कि जो तहसील में पड़ा हुआ है उसके इस जो शासनादेश की कापी उसे जारी किया जाए, उसको किस तरीके से हमारी महिलाओं को पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पिटाई किया, नौजवानों की किया, सांसदों को किया, विधायक दो उसमें मारे गए, हाथ पैर तोड़ दिया। मैं कहता हूं कि माननीय अखिलेश जी जो जा रहे थे इलाहाबाद में उसे जो कोर्ट एयरपोर्ट पर रोकने का किया, तो अगर वो हमारे मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रोक सकते हैं तो हम लोगों का धर्म बनता है कि ऐसी सरकार को बटन दबा के ख़त्म किया जाए, उनको सदन में जाने से रोक दिया जाए। आज का ये गठबंधन माननीय अखिलेश जी पर छोड़ता हूँ, किस तरीके से हम लोगों को जिता कर वो सदन मिले जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से 2018 में इन्होंने एक इतिहास रचा था, 2019 में भी निषाद पार्टी के साथ मिलकर हम लोग इतिहास रखेंगे। उसमें मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, पुनः बधाई देता हूँ अपनी तरफ से कि जैसा इनका आदेश और निर्देश होगा उसका पालन निषाद पार्टी करेगी। हम लोग आगे मिलकर आगे चुनाव लड़ने का, जिस तरीके से वोट हम लोगों का बिखरा हुआ था, एक एक वोट निषाद पार्टी का कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का कोई पदाधिकारी कोई भी प्रत्याशी लड़ता हो और चाहे निषाद पार्टी का लड़ता हो और चाहे समाजवादी पार्टी का लड़ता हो, वो महागठबंधन का प्रत्याशी है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, एक सुर से हम लोग वोट डलवा कर उसे विजयी प्राप्त कराकर पुनः हम लोग इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। अब हम अनुरोध करते हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी से, वो हमें अपनी बात आप सबके सामने रखें। माननीय अखिलेश यादव जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी सम्मानित उपस्थितगण, आप सभी प्रेस के साथी, आप सभी लोगों के हृदय से मेरा प्रणाम, जय धन्यवाद। साथियों, विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग के एक जात से लड़ा करके सारी अति पिछड़ी जातियों का वोट हासिल किया और उसने ये संदेश दिया कि अति पिछड़ी जातियों में जितनी भी छोटी छोटी जातियां आती हैं उनका हक और हिस्सा अकेले एक जात के लोग खा रहे हैं, और इन सारे लोगों को एक सपना दिखा करके गोलबंद करके उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनाई।
लेकिन आज भाजपा की सरकार बनने के बाद अगर आप आंकड़ा उठा करके देखिए तो पूरे पिछड़ों का हक कौन खा रहा है। भाजपा की सरकार बनते ही पिछड़े और दलित जातियों के आरक्षण पर यह स्थिति लागू कर दी गई कि वो अब अगले जनरल कैटेगरी में चाहे कितना भी अंक प्राप्त कर ले नहीं जा सकते। 85% आबादी को 49% में सीमित कर दिया गया और 15% लोगों को 50% कर दिया गया। अभी आंकड़ा उठा करके इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां हुई हो 364 पद समीक्षा अधिकारी के हुए, ओबीसी 0, एससी 4, 4 पद एससी के लिए आरक्षित किया गया। अभी चकबंदी लेखपाल की निकली, 1364 पद, एक भी ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन नहीं। सारा का सारा रिजर्वेशन ओबीसी और दलितों का खत्म किया जा रहा है और एक खास वर्ग को भाजपा फायदा पहुंचा रही है। अब इस साजिश को सारी अति पिछड़ी जातियां समझ चुकी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार 2019 में पूरा बैकवर्ड लामबंद होकर के साथ देगा और भाजपा को जो आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं भी अति पिछड़ी जात से आता हूं, मैं सारे अति पिछड़ी जात के नेताओं से जब बात करता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा की इस साजिश को लोग समझ चुके हैं और यदि वाकई में सामाजिक न्याय भाजपा देना चाहती है तो मैं अखिलेश जी के इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सारी जातियों की जनगणना करा करके जिसकी जो हिस्सेदारी भागीदारी है उतना परसेंट दे दे, सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करना चाहती, वो सिर्फ पिछड़ों को लड़ाना चाहती है और लड़ा करके वोट लेना चाहती है। अब भाजपा की यह मंसूबा 2019 में कामयाब होने वाला नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से जिस सहजता से अखिलेश यादव जी सारे पिछड़ी जातियों को सारे दलित जातियों को सम्मान दे रहे हैं, उनके हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग इनके नेतृत्व में सुरक्षित हैं और हम लोगों का पूरा समाज और पूरा पिछड़ी जातियों के लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में आने वाले 2019 के चुनाव में काम करेंगे। जय हिंद, जय जनवाद, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश जी से अपनी बात। उपस्थित पत्रकार साथियों, हमारे साथ आज दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर संजय निषाद जी, दूसरे डॉक्टर संजय चौहान जी। मुझे खुशी है इस बात की कि जब कभी भी हमें सहयोग की ज़रूरत पड़ी होगी चुनाव में, इन दोनों नेताओं ने, इनके संगठन ने, इनके सभी सहयोगी साथियों ने हमारी मदद की है और इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। मैं उसके लिए भी इन दोनों नेताओं को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ जो पहले से बता दिया है, आपने भी उन बातों को कहा कि जिस समय उपचुनाव था, जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, जो ऐतिहासिक परिणाम आया और लोग सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे और हमारे प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी भी समझ नहीं पा रहे थे और वो परिणाम गोरखपुर की लोकसभा ने दे करके दिखा दिया। हमें खुशी है इस बात की कि जिस आंदोलन, जिन बातों को लेकर के समाजवादी लोग कई मौक़ों पर बात रखी है, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी समय समय पर अपनी बात रखने का काम किया है। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं कि महागठबंधन में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नज़र है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहाँ खुलेगा,
एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं अभी तक जो सुनने में आ रहा है उनके मुद्दे केवल विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा हम, मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं? पढ़ाई ना हो पाए, रोजगार ना मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर गरीबों की योजनाएं चल रही हैं, समय समय पर योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए, इस बात की भी अध्ययन कर रहे हैं कि आने गरीब कैसे खुशहाल हो और अपना सम्मान का जीवन जी सके। उस अध्ययन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का, डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं इस महागठबंधन की मदद और सहयोग के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने दोनों नेताओं को, दोनों पार्टी के लोगों को, कि जहां हमें सम्मान देना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप उसकी फिक्र न करें, ये हम लोग बहुत जल्दी तय कर लेंगे। जैसे जैसे चरण के चुनाव आएंगे वैसे वैसे सूची आपको मिलती रहेगी। वो बीजेपी तय कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो शपथ लेकर के ढाई लोग देश को चला रहे हैं, तो आधा आप तय कर लो कौन है। कौन पूछ रहा है? अच्छा, पीछे से आ रही है वाली। इसीलिए मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बांटा गया जिसमें दाल थी, आटा था, आलू का इंतजाम किया गया था, घी का इंतज़ाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतज़ाम कर दिया गया था, दूध का एक किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतज़ाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतज़ाम कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीज़ों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का। और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की, और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले
कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था, 3 लाख 5 हजार का गरीबों का घर कौन देता था, जिसमें सोलर पैनल होता था, कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल है, समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है। और उसमें यह भी तय किया गया था, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता है, बड़ा गठबंधन है। जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया, इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट ने भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग वो लाखों में भी हो सकती है, और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। और अगर हमें लड़ाना भी पड़ेगा तो अपने से लड़ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अच्छा तब ठीक है। नहीं, हम कोई फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने गरीबी क्यों है और गरीब कौन है ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर टू में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था जो गलत नीतियों से चला, और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षा वित्त योजना किसकी है, केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब सवाल आ गया चौकीदार का, हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आप आंकड़े देखिए, आपको कहीं जाना है फिर बैठिए आप, नहीं इनकी बात पूरी खत्म कर देना, ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं।
मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी, पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जहां तक सवाल सोशल सिक्योरिटी का है, मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी, ये सरकार ने रोक ली। हम ये कहते हैं कि जब मदद ही होनी है तो हमारे गरीब की मदद हो और उसका सम्मान भी हो। अब ऐसा घर देते हैं 1,20,000 में, वो घर ही नहीं बन पा रहा है। शौचालय ऐसा दे दिया, पहले कांग्रेस ने दिया फिर बीजेपी ने दिया। मैं समझता हूँ हमारा साथी जो बैठे हैं वो जानते होंगे, जो कांग्रेस के शौचालय थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो दो गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। न कांग्रेस ने पानी दिया, न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया, और बिना पानी के शौचालय जाओ कैसे, ये हमारे पत्रकार साथी वहां बैठे हैं बताएं हमें ये। इसलिए हमारी बात सुनिए कि जब समाजवादी आवास दिया, लोहिया आवास 3,05,000 का दिया, और अभी खजांची आप भूल गए होंगे, बीजेपी वाले भूल गए, वैसे आप भी भूल गए, वैसे तो लोगों की जान गई नोटबंदी में, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया बैंक में, उसका नाम रखा गया खजांची, और वो एक उदाहरण है कि गरीब को घर कैसा हो सकता है। और समाजवादी लोगों ने और मैंने उसको 48 घंटे में बना करके दिखाया, वो 2 कमरे का घर है, सीढ़ियां हैं उसके अंदर, छत पे पानी की टंकी है, सोलर पंप है और उस पर सोलर पैनल है जिससे LED बल्ब और पंखे चल सकते हैं। हम गरीब को ऐसा घर और समाजवादी पेंशन और उसकी पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन के साथ आएंगे, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर हो उसका, एक घर हो गरीब का और उसके पेंशन कुछ हो, इसलिए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जल्दी उस अध्ययन कर करके उस बात को हम कहेंगे आपके बीच। ये दोनों डॉक्टर संजय क्या बोले हैं, डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे हो, हमारी कैसे बात मान लोगे, आप बताओ। हाँ पूछो, किसने कहा मुकदमा दर्ज होने? देखिए इस लड़ाई को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखिए ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे। भाई मुकदमे दोनों पे पहले से हैं, हमें क्या लिखवाना है, मुकदमा दोनों में पहले से है, अगर ना हो मुकदमे दोनों पे तो पहले बताइए आप, बस केवल कार्रवाई होनी है। मुकदमे दोनों लोगों पे हैं कि नहीं है तो आप दोनों के मुकदमे दिखाइए। जो चुनाव आयोग को दोनों ने अपना लिख करके दिया है तो आप दिखाइए उसको। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए भाजपा के प्रचारक कौन हैं, राज्यपाल हैं, सरकारी एजेंसियां हैं और आप लोग नहीं हैं। भाजपा के प्रचारक कौन कौन हैं फिर मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने सुबह सुबह ट्वीट किया था जिससे आप लोगों की जानकारी में आ जाए। मैंने ये कहा कि भाजपा के जो प्रचारक हैं उनमें से राज्यपाल महोदय भी हैं, ये तो हमें खुशी है इस बात की कि राज्यपाल महोदय किसी घटना को अभी देखने गए हैं, जो घटना हुई थी लखनऊ में, हालांकि लखनऊ में बहुत घटनाएं हो रही हैं, और जब हम और आप बैठे हैं तो आप अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही, अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए आप समझ लीजिए, MSP की बात की, जाने क्या क्या बातें की, वादा नहीं पूरा हुआ, इसलिए समाजवादी लोग जो अध्ययन के साथ कहेंगे वो पूरा करने के लिए कहेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, हमें दिखाना नहीं है कि हम किन किन भगवानों को दिल में रखते हैं, हम सब भगवानों को दिल में रखते हैं,
जब कण कण में भगवान, तो फिर हम क्या एक दो भगवान से, हमारे सब भगवान हैं। क्या चीज? देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, हमें मौका मिलेगा तो उनके घर पे चाय भी पी लेंगे। देखिए, कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुपचुप कर रहे हैं। क्या आप गुपचुप नहीं कर रहे हैं? आपको भी पता है, आप बोल नहीं सकते। उस पर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कानपुर की मेट्रो का शिलान्यास अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने किया था। उस समय वो सांसद थे, वो उनका भी नाम लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए, बिना टेंडर के शिलान्यास कैसे हो सकता है? बिना टेंडर के आप ये बताइए, काम कैसे शुरू हो जाएगा मेट्रो का? आपको क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए मुझे, हम आपकी भी समस्या का समाधान कर देंगे। हम हैं ही इसलिए समाधान के लिए। नहीं, पहले ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो सरकार की सच्चाई बोल रहे हैं, पहले बात आप स्वीकार करिए ये बात। वो ओमकार राजभर जी कम से कम ऐसे मंत्री हैं जो सरकार की सच्चाई बता रहे हैं, थाने में क्या चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, पुलिस कितना ले रही है उसके बारे में रेट बता रहे हैं, समय समय पर वो सच्चाई बताते हैं। केवल एक ही मंत्री सरकार में है जो कम से कम सच तो बोल रहे हैं, तो इसलिए सरकार में उन्हें रहने दो, आप उन्हें तकलीफ मत पहुँचाइए। दूसरा सवाल, देखिए, लखनऊ शहर और राजधानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना काम जो समाजवादियों ने किया है, आखिरकार समाजवादी इन कामों को ओन नहीं करेगा तो कौन ओन करेगा? ये जो अच्छी मेट्रो बनी है, चल रही है, ये समाजवादी की देन है। नदी का किनारा जो सुंदर बना है, रिवर फ्रंट, वो भी समाजवादी की देन है। दो दो ऊंची इमारतें बनी हैं लखनऊ में, जिन पे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, वो भी इमारतें समाजवादी सरकार में बनी हैं। देश में आज सबसे ज़्यादा कैंसर फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में कैंसर फैल रहा है। सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट अगर बनाए गरीबों के लिए तो वो समाजवादी सरकार ने बनाया। SCL में जो आज हजारों नौजवान नौकरी पा रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे थे, 5,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स नौकरी पा गए हैं SCL में। अमूल का प्लांट समाजवादी लोगों ने लगाया, अक्षय पात्रा का समाजवादी सरकार में लगा, आपका पुराने लखनऊ को सुंदर बनाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, नए मेडिकल कॉलेज सरकार के बने लखनऊ में, बाईपास बने लखनऊ में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना लखनऊ में, और लोक भवन भी बना लखनऊ में। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं IPL और वो जो T20 होता है, नहीं, मैं इसीलिए देखना चाहता हूं लखनऊ के लोग जात पात पे वोट देंगे कि विकास पे वोट देंगे। मैं उसका रिस्क ले लूंगा, चाहे किसी को मुझे लड़ाना पड़ेगा। क्या लोग विकास पे वोट देते हैं? क्योंकि इससे एजुकेटेड जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम एक बार रिस्क लेंगे इस बात का कि लखनऊ में विकास पे वोट जाएगा या जात पात पे वोट जाएगा। कोई जरूरत नहीं इस साल की, 10 करोड़ नए वोटर सब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और इसलिए इसलिए आप समझ लीजिए नौजवान साथियों, सबसे ज़्यादा लैपटॉप किसी ने बांटे हैं तो समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांटे हैं। जो लैपटॉप चलाते होंगे, जब ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम ही दिखाई देते होंगे। पहले गलती हो गई लेकिन अब गलती नहीं होगी। अरे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? अब कल को आप मुझसे ये पूछोगे सपना चौधरी उधर जा रही थी, उधर चली गई, ये क्या बात हुई, ये कोई सवाल है आपका? इसलिए जिन सवालों से भटकिए मत। ये सोशल मीडिया वाला साथी सही कह रहा है, ठीक है होगी बात, बिना सवाल जवाब दिए आप जाऊंगा नहीं। प्लीज इनका सुन लीजिए, लिसन टू हिम। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने वो सवाल पूछा कि चुनाव हम किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। किसान का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, बिना किसान और खेती के खुशहाली के देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है, प्राथमिकता पे वही सबसे बड़ा सवाल है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उससे नौकरी और